Hello students, today I am taking your recap session of the noun. In this, first of all you should know what is noun. Noun is the name of person, place, animal or thing. As you all familiar about this, ki noun ko hindi mein kya kehte hain? Sankhya. Theek hai? Now come to the point, ki noun jo hai, noun is of five types. Noun jo hai wo five types ka hota hai, but in your class you will learn about only two types of noun. Go. In this class, you will learn about two types of noun, common noun and proper noun. What is common noun? Common noun is a name shared by every person, place, animal or thing of same kind. Ab isko samajhne ke liye main aapko ek example deti hu. Just take an example of your class. Suppose in your class there are girls, so many girls na. Agar main ek hi ladki ka naam lu to particular naam hoga, yani ki wo proper noun. बट अगर मैं पूरी सेकेंड क्लास की गर्ल्स को बोलती हूँ कि गर्ल्स कम आओ, यानी उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? गर्ल्स. तो यानी वो क्या हो गया? कॉमन. यानी आपको क्लियर हुआ व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड बाय एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ सेम एक जैसे. नाउ कम टू द प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज अ नेम फॉर पर्टिकुलर. अब इसके लिए भी आप एग्जाम्पल अपनी क्लास का ही ले लीजिए. सपोज आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, गर्ल्स की या बॉयज की. अब उसमें से मैं किसी एक बच्चे को नाम बुलाती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ समायरा प्लीज कम आउट फ्रॉम द क्लास. तो मैंने यहाँ पे समायरा को भी बुलाया ना, पर्टिकुलरली मैंने समायरा को बुलाया. तो समायरा क्या है? प्रॉपर नाउन. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन विच इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, कोई जगह के बारे में, कोई चीज के बारे में बात करते हैं. बच्चों इन प्रीवियस सेशन मैंने आपको एक्सरसाइज भी नहीं कराई थी, जो मैं आपको भी इस सेशन में करा रही हूँ. बिकॉज आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर कॉमन नाउन क्या है. उसी के बेस पे आपका पी पॉइंट, जो बी पॉइंट है, पुट सी. सी यहाँ पर कॉमन नाउन के लिए यूज हुआ है और पी जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए यूज हुआ. So let's start the exercise. Miss Nancy live in Tilaknagar. So इसमें Nancy के आगे box दिया गया है. What you have to write? It is a proper noun or common noun? You should write it's a proper noun because Nancy is the name of person. Live in Tilaknagar तो place है, तो यहाँ पे भी आपका proper noun हो गया. In a big house. House क्या होता है? मैंने आपको बोला था house. अब कई सारे घर होते तो हम सबके लिए एक घर का मतलब उसके लिए word use हुआ है house. मैंने यहाँ पे किसी का पर्टिकुलर पर्सन के हाउस के बारे में बात नहीं कर रही. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉमन नाउन सी. बाय द सी, सी कोई भी हो सकता है समुद्र, इसके लिए भी कॉमन नाउन सी. शी हैज फोर कार्स, तो कार्स कोई सी भी हो सकती है, हम कार बोल रहे हैं ना, इसलिए इट्स ऑल्सो अ कॉमन नाउन. शी लाइक्स टू ट्रेवल टू डिफरेंट सिटीज, सिटीज इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम दिया जाता तो हम प्रॉपर लिखते, बट यहाँ पे लिखा डिफरेंट सिटीज, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉमन नाउन यानी सी लिखा. ठीक है. लास्ट दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा प्रॉपर, हम पूजा के बारे में बता रहे हैं, कौन सी पूजा? दुर्गा पूजा, तो इसीलिए हमने पी प्रॉपर नाउन. शी वेंट टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जगह का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन यूज किया है. एंड सॉ गॉडेस काली टेम्पल, तो काली टेम्पल प्रॉपर. She enjoyed Bengali food, P. मतलब proper noun. In a nice hotel. Hotel कोई सा भी सकता है, X, Y, Z. तो इसीलिए hotel का hotel use हुआ है. तो इसलिए हमने उसके लिए common noun use किया है. Is it clear to you? I think आपको B point clear हो गया होगा. और जो C point है, write one proper noun for the following common noun. यानी common noun मतलब country, woman, animal, flower, river. ये सब common word use. अब इसमें कंट्री है तो आप कुछ भी लिखें, इंडिया, अमेरिका, रशिया, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट राइट इट. वुमेन में वॉट नेम यू लाइक, यू जस्ट राइट, कि कोई भी नाम लिखिए, वॉट विच लेडी नेम यू वॉन्ट, यू जस्ट राइट दैट. एनिमल में कैट, डॉग, लॉयन, कुछ भी. फ्लावर्स में वॉट फ्लावर यू लाइक, योर फेवरेट, यू जस्ट राइट दैट नेम. रिवर, रिवर में बहुत सारी नदियाँ होती हैं, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कई सारी रिवर्स. उसमें से एक स्पेसिफिक नाम आपको जो अच्छा लगे, यू कैन राइट इट योर सेल्फ. नाउ लिसन टू किडनी किड्स वेरी केयरफुली, कि आपकी जो बुक है रीडर एक्सप्रेशन,
उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था मंडे चैप्टर। इन दैट आपके लैंग्वेज स्किल में यहाँ पे था रीड एंड अंडरस्टैंड, जिसके अंदर आपको नाउ राइट प्रॉपर नाउन फॉर द फादर, आपको उसमें प्रॉपर नाउन लिखना था। रिवर, बुक, डे, ओशन, बिल्डिंग, ये कॉमन नाउन वर्ड्स यूज हुए थे। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ट्राई करना है। एंड आफ्टर जब स्कूल ओपन होंगे देन आई विल डेफिनेटली चेक योर बुक कि यू हैव रिटन इट और नॉट, क्योंकि अगर आपको ये चीज टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो यू कैन डू इट वेरी गो, यू कैन डू इट वेरी इजी, राइट? ओके, देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, नाउन नंबर्स। नाउ टिल देन, बाय।